जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट कंपनी को लेकर, जानेंगे कि इसके प्राइस में गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है और प्राइस में दोबारा उछाल आने की कोई संभावना है या नहीं, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ अब इस कंपनी का अभी बचा है या नहीं। इस वीडियो में इस पर तसल्ली से बात होगी। देखिए, ट्राइडेंट कंपनी है, ट्राइडेंट ग्रुप का एक हिस्सा है और बेसिकली यह टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो भारत में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है यार्न, बाथ लाइन, बेड लाइन, इन सब चीज़ों को जो टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है उसका ही मैन्युफैक्चर करता है और उसमें अग्रणी कंपनी है भारत का। इसके अलावा केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है तथा तो पेपर इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि पेपर बनाने का भी यह कंपनी काम करती है। कामकाज कंपनी का काफ़ी शानदार है और यह जो कंपनी काम करती है इस सेक्टर में, इसका डिमांड आने वाला समय में बढ़ेगा, तो इस बात की श्योरिटी है कि फ्यूचर में इस कंपनी का, कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी के सर्विसेज का डिमांड रहने वाला है। अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप वर्तमान में 19,568 करोड़ रुपए के आसपास है। देखिए, हम जानते हैं कि प्राइस में गिरावट होने से और प्राइस में उछाल आने से कंपनी का मार्केट कैप घटता और बढ़ता रहता है। जब जनवरी में प्राइस 70 रुपए के आसपास गया था इस कंपनी का, उस समय इसका मार्केट कैप 27-28 हज़ार करोड़ रुपये पहुँच गया था, लेकिन चूंकि अभी प्राइस कम हुआ है इसी वजह से इस कंपनी का मार्केट कैप भी, यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी कम हुआ है। अगर वर्तमान में शेयर प्राइस को देखें तो यह लगभग 38 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। और ये प्राइस कम क्यों हो रहा है, अगर इसके पीछे वजह जानना चाहें तो बेसिकली दो फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक है एक्सटर्नल कारण, दूसरा है इंटरनल कारण। इन दोनों पर हम लोग तफसील से बात करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जब हम एक्सटर्नल रीजन की बात करते हैं तो उसमें आता है, आप याद कीजिए, जब रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था उसके बाद से बाज़ार में काफ़ी भयानक गिरावट आया और उस गिरावट के बावजूद उसमें जले पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया FII वालों ने, यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं उन लोगों ने भारतीय बाज़ार से अपना पैसा निकालना शुरू किया। यानी कि जो इन लोगों ने शेयर खरीदा हुआ था भारतीय कंपनियों के बाज़ार, भारतीय बाज़ार में जिस कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे उस शेयर को बेचकर इन लोगों ने अपना पैसा निकालना चाहा, क्योंकि बाज़ार डाउन जा रहा था। इसके अलावा हमारा जो रुपया है डॉलर के प्रति वो भी कमज़ोर होते जा रहा था, इस वजह से FII वालों ने अपना पैसा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाला, जिसकी वजह से इस कंपनी के, और सिर्फ यही कंपनी नहीं है, बाज़ार जब गिर रहा था तो उसमें तमाम ऐसी कंपनियां थी जिसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली और अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि बाज़ार रिकवर हो रहा है और FII वाले भी सेलिंग रोककर अब फिर से खरीदारी शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, अगर इंटरनल रीजन की बात करें कि इंटरनल कारण क्या है इस कंपनी के शेयर प्राइस का डाउन जाने का, तो आपको बताऊं कि जो कंपनी के फाउंडर और CEO थे राजेंद्र गुप्ता इस कंपनी के शुरुआती समय के फाउंडर थे, उनका हेल्थ इशू चल रहा है इन दिनों। उस हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने अपने CEO के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, यानी कि अब इनकी जगह कोई और लेगा। इस वजह से भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला। अब देखिए, राजेंद्र गुप्ता जो है यह फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे इस कंपनी के और इनके पास 30 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस था। ये इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी छोटे लेवल से की थी, उस समय ट्राइडेंट को कोई जानता भी नहीं था और अभी देखिए ट्राइडेंट जो है टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की लीडिंग कंपनी बन चुकी है और देश दुनिया में अपना एक ब्रांड स्थापित कर चुकी है राजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र गुप्ता के बाद जो नया CEO आएंगे वो इस कंपनी को अच्छे से नहीं चला सकते हैं, कोई भी जो एक ही CEO होता है जो शुरू के समय को वही ज़िंदगी भर बने रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एग्जिस्टिंग शेयर जो शुरुआती दौर के CEO होते हैं वो जब अपना पद छोड़ते हैं तो थोड़ा सा भूचाल कंपनी में आता है, जो स्वाभाविक है। लेकिन इतनी चिंता की यह बात नहीं है कि अगर राजेंद्र गुप्ता नहीं रहेंगे तो यह कंपनी नहीं चलेगा और शेयर होल्डर्स जो है उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जब यह खबर आई कि राजेंद्र गुप्ता अब इस कंपनी के CEO नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक था। देखेंगे, इनकम 1870 करोड़ से कम होकर जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ 1680 करोड़ रह गया है। इनकम कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम होना स्वाभाविक है, 181 करोड़ रुपये से कम होकर 129 करोड़ रुपये रह गया है। वहीं अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, रिजर्व में सुधार होते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फंडामेंटल कंपनी का शानदार है, जबरदस्त है। क्वार्टरली रिजल्ट तो हर 3-3 माह पर आते रहते हैं, न्यूज़ की बेसिस पर भी क्वार्टरली रिजल्ट इफेक्ट होते हैं और फंडामेंटल मजबूत है, इसी के बदौलत कंपनी ने फिर से डिविडेंड देने की बात कही है। अगर इस बार बात करें तो कंपनी 36 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है। 18 अगस्त को इसका एक्स डिविडेंड डेट है, यानी कि 18 अगस्त के पहले तक जो व्यक्ति इस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे उन्हें ही डिविडेंड मिलेगा
और ये डिविडेंड का जो रुपया है आपको पता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। 15 सितंबर 2022 तक इस डिविडेंड का पैसा जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रति शेयर के हिसाब से उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 19 अगस्त को बहुत सारे डील देखने को मिली, अलग अलग प्राइस पर बहुत बड़े बड़े कंपनियां और फर्म हाउस जो हैं इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हुए दिखे नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है कि अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये कुछ अपडेट था ट्राइडेंट कंपनी के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।